हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मेरा नाम उमेर है। अगर आपको मेरी ब्लॉग्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ यार इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई को। और हाँ, मेरे ब्लॉग्स को पूरा एंड तक देखा करो। तो फिर जल्दी जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। अरे जल्दी बोलो, मुझे मुंह धोने जाना है। सो गाइस, कल की अगर आपने ब्लॉग देखी होगी कि मैंने गाड़ी को मेंटेन किया, कितना अच्छा किया है मैंने, सही है। तो अब ये है कि गाड़ी को थोड़ा सा मैं और मेंटेन कर देता हूँ। मेरे पास और भी चीज़ें हैं घर में मौजूद रखी हुई तो वो मैंने आपको दिखानी है। अब वो चीज़ें कौन सी हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर दिखाऊंगा, सही है भाई। देखो, गाड़ी की जो साइड में जो रबर ख़राब हो रही है उस पर, मतलब वो देखने में बुरी लगती है, सही है ना। तो गाड़ी को साइड से अच्छा करने के लिए मैंने एक शीट मंगाई है, बहुत सस्ती शीट मुझे मिल गई नेट पे, दराज पे, सही है। वो चीज़ मैंने मंगाई, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और सेकंड ये है कि मेरे पास एक ऐसा स्प्रे है जिससे गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती है, सही है। तो गाड़ी को आज हम थोड़ा सा और मेंटेन करेंगे। और जो अंदर मैंने रेड कलर की गाड़ी रखी हुई थी तो उसको भी मैग्नेट से हम लगा देंगे गाड़ी में, ताकि गाड़ी में ब्रेक लगते हैं या गड्ढे में जाती है, गाड़ी हिलती है तो वो गाड़ी पीछे चली जाती है। जो डेकोरेशन गाड़ी है मेरी डैशबोर्ड पर जो रखी हुई है, सही है, उसको भी हमने सेट करना है प्रॉपर मैग्नेट से, सही है। घर में मेरे पास मैग्नेट है, ओके। तो पहले मैं आपको शीट दिखा देता हूँ कि मैंने शीट कैसी मंगाई है। क्या बात है, तुम सच में है? तो गाइस, ये मैंने शीट मंगाई थी, सही है। कैसी लगी आपको, अच्छी लगी? गलत, ये वाइट कलर की नहीं है, ये है क्रोम, देख रहे हैं आप कितनी अच्छी लग रही है ये। तो इसमें करना क्या है, मैंने इसको इतनी बारीक बारीक स्ट्रिप काटनी है, ऐसे यूं हो जाएगी, सही है। फिर ऐसे काटना है मैंने इसको, सही है। तो इसको काटने का मेरा मकसद क्या है, इसको काटने का मेरा मकसद ये है कि साइड से गाड़ी, जो गाड़ी के डोर दिखते हैं तो उसके साइड में जो रबड़ लगी हुई होती है और डोर की जो बीच में लाइन आ रही होती है, वो मैं अभी आपको चल के बताऊंगा कहाँ कहाँ लगाऊंगा। तो डोर की जो बीच में लाइन आ रही होती है वहाँ पर मैं इसको उसके हिसाब से कटिंग करके लगाऊंगा, ताकि गाड़ी जब साइड से दिखे ना तो आपने एक चीज़ चेक की होगी कि क्रोम पट्टी एक आ रही होती है, स्ट्रिप आ रही होती है क्रोम, दरवाजों पर लगाते हैं लोग और भी चीज़ों पर जगह लगाते हैं, सही। वो हो जाती काली वक्त के साथ। ये है पेपर, जो मेरी गाड़ी में वाइट पेपर आपने देखा होगा चढ़ा हुआ है, वो इसका कलर फेड नहीं होता। ये मैंने जब भी मंगाया है, ये मैंने दराज से मंगाई है, सही। तो बस यही था कि मुझे ये जाके अपनी गाड़ी को जितना मैं अच्छा बना सकता हूँ उतना मैं अच्छा बना देता हूँ गाड़ी को ना, मतलब बहुत सस्ते में बना देता हूँ, बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। फिर बाहर लोग निकलते हैं तो ज़्यादातर जो बड़ी उम्र के ना वो बोलते हैं यार तुमने हमारी जवानी की याद दिला दी गाड़ी रख के। फिर स्कूल के बच्चे जाते हैं, टार्जन टार्जन टार्जन, वरना टार्जन लटका रहता था ना, अब तो नजर नहीं आएगा किसी को टार्जन, क्योंकि गाड़ी के शीशे जो है वो काले हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक स्प्रे, ओके। A few moments later. So guys, ये रहा वो स्प्रे, गाड़ी का शाइन लाने के लिए होता है ये स्प्रे, वैक्स है ये, सही है। और बहुत अच्छी चीज है, इसके ऊपर पता है क्या चीज है, इस मतलब किस चीज किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, कि आप इसको एक दफ़ा गाड़ी के ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रे करें और माइक्रोफाइबर से गाड़ी को हल्का सा आप रब कर दें, हल्का सा क्या थोड़ा सा जान से रब कर दें आप इसको, सही है, घिस दें, सही। जब आप अगर इस पर डस्ट भी आ गई ना आपकी गाड़ी पे, फिर आप कपड़े मारेंगे तो यूं साफ होगी, डस्ट बैठेगी नहीं आपकी गाड़ी पर। ये इतनी अच्छी चीज़ मिली है मुझे ना अपने, अगर आप अपनी शॉप रखते हैं गाड़ी का तो आप ये स्प्रे भी मंगा सकते हैं, और जो मैंने आपको आइडिया दिया है स्ट्रिप का तो आप इसको कटिंग करके भी लगा सकते हैं, सही है। ये बहुत अच्छा पेपर है, और पेपर का जो सबसे अच्छी बात है कि पेपर फेड नहीं होता, काला नहीं होता, इसका ये कलर है तो ये है, समझ रहे हैं आप। अगर आप स्ट्रिप लगाते हैं क्रोम स्ट्रिप तो वो ख़राब हो जाती है, वो काली हो जाती है वक्त के साथ, सही है। तो अब मैं बाहर जाता हूँ और बाहर जाकर आपको गाड़ी दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ ये लगेगी, सही है। तो चलते हैं फिर बाहर। तो गाइस, गाड़ी देख लो कितनी प्यारी लग रही है मेरी, सही है। मैं स्क्रिप्ट छोटी सी काट के लेकर आया हूँ, मैं आपको बताने के लिए कि कैसे लगाऊंगा इसको, सही है। देखो ऐसे लगाऊंगा, ये दिख रहा है, इस तरीके से लगाना है मैंने यहाँ पे, सही है। ये यहाँ लग जाएगी, इस तरीके से लगा सकते हैं, फिर यहाँ लगा सकते हैं, ये बीच की पट्टी जो है, सही है। इतना मोटा इसको काटना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ लग सकता है ये, फिर इस पर लग सकती है ये, सही है, यहाँ लग सकता है ये पट्टी पूरी अच्छी लगेगी। तो यहीं लगाना है बस, यहाँ पे नहीं लगा सकते, यहाँ ये चिपकेगा नहीं सही तरीके से, क्योंकि ये पहली ख़राब हो रहा है, यहाँ पे नहीं लग सकती, सही है।
तो यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, ये पट्टी लगानी है। तो गाइस अम्मी की मुझे मदद लेनी पड़ी, और क्योंकि विदाउट अम्मी ये व्लॉग नहीं बन सकती, क्योंकि मुझे एक अलग से कैमरामैन चाहिए था जो कटिंग करते वक्त वीडियो बना सके, सही है। और अम्मी आ गई, अम्मी को नींद भी आ रही है, लेकिन अम्मी ने बोला बेटे से बढ़कर कुछ नहीं। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह वाजी वाह सुभान अल्लाह। तो गाइस बाहर जाके मैं नाप लेकर आया हूँ, और जहाँ जहाँ मैंने उसको लगाना है ना, वहाँ वहाँ का मैं नाप लेकर आ गया हूँ। तो अब करना क्या है कि मैंने कटिंग करनी है, और बहुत अच्छी कटिंग करनी है, सही है। अब देखो अगर कटिंग इधर से उधर हुई तो मैं तो गया। मैं ऑल इज सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कमर दिखा गई कमर। चलो अब इसको कटिंग करते हैं। कटिंग कहाँ से करनी है, मैं तो भूल भी गया, निशान चला गया। ये है निशान, मुझे इसकी कटिंग करनी है इतनी बड़ी। ये एक पट्टी मैंने काट ली है, सही है। पहले इस पट्टी को लगा के चेक कर लेते हैं ये सही कटिंग हुई है कि नहीं हुई। आज तो गाइस यहाँ के लिए मैंने इसको कटिंग किया था, चले अब लगा के देखते हैं इसको यहाँ पे। कैसे लगी? तो अच्छी लगी। देखें कैमरे में कैसी आ रही है। अरे भाई तो बड़ी अच्छी आ रही है यार कैमरे में। देखें मैं इस तरीके से लगाना चाह रहा था इसको, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अब ये एक ना दूसरी तरफ लगा देते हैं, जो नीचे रखी हुई है हमारे पास ये रही, अब इसको दूसरी तरफ लगा देता है। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। सो गाइस देखें मैं इस तरीके से इसको लगाना चाह रहा था, सही है। अब करना क्या है, मैंने अब मैंने इधर भी लगानी है पट्टी, फिर इधर भी लगानी है, फिर इधर लगानी है, सही है। A few moments later. So guys, आपके भाई ने देखो यहाँ पर पट्टी लगा दी है, क्रोम पट्टी कितनी अच्छी लग रही है। देखो यहाँ पे भी लगा दी, यहाँ पे भी लगा दी, लेकिन यहाँ पे ये ना दो निशान आ गए, पता नहीं किस वजह से आए मुझे नहीं पता। यहाँ पे भी लगा दी, यहाँ पे लगा दी, लेकिन ये थोड़ा सा निकल रहा है क्योंकि ये यहाँ पे सिलिकॉन लगी हुई थी। थोड़ी सी एलपी लगा दूंगा मैं यहाँ पे तो सही हो जाएगी। तो गाइस देखो यहाँ पे भी कितनी प्यारी लग रही है, देखो ये देख रहे हो कितनी प्यारी पट्टी लग रही है। यहाँ पे भी लगा दी, सही है। देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, देख रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह वाजी वाह सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, कितनी प्यारी लग रही है। The next day. So guys, welcome back. और हुआ ये था गाइस के घर में ब्लॉग कम्प्लीट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया कि भाई मेरे हाथ में बहुत शदीद दर्द है, और मेरा एक हाथ बिल्कुल अकड़ गया, बिल्कुल ये इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है, सही है। और दस अकड़ गई मेरे हाथ में। खैर मैं आपको दिखा देता हूँ कि फिर भी मैंने क्या क्या काम किया है रात में बैठ के, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मेरा हाथ ज़्यादा मूव नहीं हो रहा था, तो मैं कैमरा और अपना काम एक साथ लेके नहीं कर सकता। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या काम कर दिया। सो गाइस आपने ये चीज़ देखी होगी जो कि गाड़ी पे लगी हुई थी। मेरा हाथ टेढ़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा नस अकड़ी हुई मेरे हाथ की, यहाँ की पता नहीं क्या हो गया। ठंडा ठंडा पानी, देखो ये कैसे सॉइल हो रहा है, अचानक से सॉइल होना शुरू हो गया मेरा हाथ, आई डोंट नो वाई।
अब ये देखो ये कितनी अच्छी लग रही है, मैंने इस पे क्रोम पट्टी चढ़ा दी है, और इस पे भी देख लो कितना खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। अब ये जाके मैंने बोनट पे फिट करना है, सही है, और फिर गाड़ी भी बनानी है। गाड़ी के नीचे मैंने मैग्नेट लगाना था और डैशबोर्ड पे लगाना था, वो भी मैं भूल गया लगाना, सही है। सो गाइस अभी चलते हैं हम बाहर, और ये काम करने के बाद फिर गाड़ी के ऊपर आएंगे। गाड़ी के नीचे हमने मैग्नेट भी, मैंने बताया था आपको, गाड़ी के नीचे मैग्नेट लगाना था मैंने, और डैशबोर्ड पे रखना है उसको मैंने, सही है। तो उसके लिए हमें गाड़ी का कवर उठाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर बैठना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा। बहुत लंबा काम है सर, नहीं छोटा सा काम है लेकिन लंबा ही लग रहा है, क्योंकि मेरा हाथ नहीं नीचे जा रहा, आई डोंट नो व्हाई। सो गाइस अंदर आ चुके हैं हम, और ये रही दोनों चीज़ें जो कि मैंने लगानी है गाड़ी के यहाँ पे, सही है। पहले गाड़ी को खोल लेते हैं, चाबी कहाँ गई, चाबी जेब में आ गई। सो गाइस पहले लगा देते हैं हम जल्दी जल्दी, ये यहाँ पे लगेगा ना, आई थिंक सो यहीं पे लगता है ये, नहीं ये यहाँ पे नहीं लगता, ये यहाँ पे लगेगा। ओके और ये दूसरा लगेगा यहाँ पे, सो गाइस ये भी लग गया है। अब इसके स्क्रू फिट कर देते हैं, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस दोनों लग चुके हैं, देख लें आप इतने प्यारे लग रहे हैं, ये बिल्कुल शीशे की तरह लग रहा है। देखो इसको कहते हैं क्रोम, देखो कैसे शीशे की तरह लग रहे हैं, देखो कैसे साफ सुथरे, देखो कैसा नज़र आ रहा है इसमें पेशकश, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा रात में फिर मैंने क्या काम किया, रात में मैंने ये पट्टी भी लगा दी है इसमें, ये पट्टी भी लगा दी है, सही है, ये पट्टी भी लगा दी है। थोड़ी सी इसकी कटिंग करना बाकी है, बाकी ये लगा दिया है मैंने, अच्छी लग रही है, देखो अब प्यारी लग रही है गाड़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह वाजी वाह सुभान अल्लाह। सो गाइस अब इस पर हम मैग्नेट लगा देते हैं, सही है, जल्दी जल्दी लगाते हैं ताकि गाड़ी का काम मुकम्मल हो और मेरी व्लॉग भी कंप्लीट हो जाए। और ये है कि मैग्नेट मैं यहाँ पे लगाऊंगा, सही है, और मेरे पास मैग्नेट कौन सा है, मेरे पास मैग्नेट ये है, और जो मैं अपने डैशबोर्ड पे लगाऊंगा वो ये चीज़ है, ये आपको पता है वॉशर है ये, सही है। तो ये यहीं पे लगाएंगे और मैग्नेट मैं गाड़ी के नीचे लगाऊंगा, सही है। तो फिर जल्दी जल्दी लगाते हैं। सो गाइस हमारी गाड़ी जो है वो मैग्नेट लग चुका है गाड़ी में, और ये गाड़ी देखें इस तरीके से मैग्नेट पे आ गई है और बहुत प्यारी लग रही है, सही है। अब ये है कि ये इतना पावरफुल मैग्नेट नहीं है, लेकिन फिर भी ये नीचे तो नहीं जाने वाली, ऐसे घूम सकती है लेकिन नीचे तो नहीं जाएगी ये, सही है। तो ये हमने लगा दी है मैग्नेट से, और भी कभी कुछ ऐसा डेकोरेशन हुआ जो मैग्नेट पे यहाँ लग सकता है वो भी लग सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वॉशर लगा दिया, सही है। तो ये अभी जैसे इधर है तो ये फ़ौरन चिपक जाती है, जैसे इधर है अभी फ़ौरन चिपक जाती है, सही है। तो अब ये है कि अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है, यहाँ पे गाड़ी का काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। मेंटेन हो गई है माशाल्लाह मेरी गाड़ी बहुत हद तक, और बहुत अच्छी मेंटेन करी है मैंने, और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने गाड़ी को मेंटेन कैसा किया है। और मेरे हाथ में दर्द है, वरना मैं वो जो आपको स्प्रे दिखाया था मैंने वो ज़रूर मैं गाड़ी पे करके दिखा था, बहुत अच्छा स्प्रे है वो, और वो गाड़ी पे आप कर दें उसके बाद फिर गाड़ी को आप बस साफ़ करें, साफ़ रहती है गाड़ी फिर, है ना, बहुत अच्छा स्प्रे हो। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला फिर किसी व्लॉग में दिखाऊंगा। तो अभी ये है कि गाड़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, आपको मैं एक और दफ़ा दिखा देता हूँ। ओके सो गाइस देखें गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, ये क्रोम पट्टी की वजह से तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा लुक आ गया है, देखें कितनी प्यारी लग रही है। अब गाड़ी साफ़ नहीं है, थोड़ी सी गंदी हो रही है,
मेरे हाथ में दर्द आ गया, वरना मैं ज़रूर आपको साफ़ करके दिखाता भी। और देखें ये पट्टी कितनी अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है पट्टी। ये बीच की तो बिल्कुल क्रोम लग रहा है, तो बिल्कुल क्रोम लग रहा है, तो प्यारा है। सो गाइस, अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, कॉमेंट्स कर दिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई को, सही है। और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको मेरी ब्लॉग कैसी लगी, सही है। और गाड़ी मैंने कैसी मेंटेन करी है, आपको शीशे गाड़ी के जो मैंने ट्रेन करवाया वो कैसे लगे, जो क्रोम पट्टी मैंने चढ़ाई है वो कैसी लगी, सही है। आगे बोनट पे पेंट किया वो कैसा लगा, सही है। तो और मैंने रिम पे भी जो टायर के कवर हैं, व्हील कवर, उस पर भी मैंने कलर किया रेड कलर का, वो आपको कैसा लगा, सही है, सब बताइएगा कमेंट्स में। ओके, अल्लाह हाफिज़।